महासमुंद जिले के बागबाहरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल बागबाहरा पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 2 क्विंटल गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 9,50,000 रुपया बताई जा रही है। महासमुंद जिले की बागबाहरा पुलिस को अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। महासमुंद जिला पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने हाल ही में सभी थाना क्षेत्रों को निर्देश दिया था कि उड़ीसा से होकर आने वाले गांजा की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी रखी जाए और मुखबिरों को सक्रिय किया जाए, जिससे कि महासमुंद जिले से होकर के प्रदेश के और देश के अन्य हिस्सों तक चलने वाले गांजा रैकेट को रोका जा सके। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली, उड़ीसा से बागबाहरा के रास्ते से एक गांजे की बड़ी खेप निकलने वाली है। उक्त सूचना पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बागबाहरा सुश्री लितेश सिंह एवं थाना प्रभारी बागबाहरा स्वराज त्रिपाठी ने नाकेबंदी कर एवं फिक्स पॉइंट लगाकर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। बागबाहरा की टीम जब नगर पालिका बागबाहरा के सामने NH 353 पर नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रही थी कि एक ट्रैक्टर मैसी फगुरसन ट्राली सहित खरियार रोड से आ रही थी, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। पूछताछ करने पर उन्होंने स्वयं को राजस्थान का होना बताया और उड़ीसा से राजस्थान की ओर जाना बताया। उन्हें जब उड़ीसा में कब आना, किस कार्य से आना और वापस राजस्थान जाने के संबंध में पूछा गया तो पुलिस को लगातार गोलमोल जवाब देकर गुमराह करते रहे। पुलिस को इस बात पर शंका हुई और पुलिस की टीम ने जब ट्रैक्टर और ट्राली की बारीकी से तलाश ली तो ट्रैक्टर ट्राली के चेसिस के पास नया वेल्डिंग कराया गया था, जिसे चेक करने पर चेसिस में बॉक्स नुमा खाना बना हुआ था, जिसमें प्लास्टिक के भूरे रंग के टेप से लिपटे हुए पैकेट दिखे। उन पैकेट को देखने पर उसमें मादक पदार्थ गांजा होने की शंका हुई। पुलिस ने वाहन में सवार उदाराम गुर्जर, पिता भेऊराम, उम्र 30 वर्ष, ग्राम घोलासरी, थाना दातारामगढ़, जिला सीकर राजस्थान एवं प्रकाश चौधरी, पिता गिरधारी, उम्र 25 वर्ष, ग्राम बनगढ़, थाना नाबा, जिला नागौर राजस्थान से कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने बाक्सनुमा खाना में 36 पैकेटों में मादक पदार्थ गांजा होना बताया। पुलिस ने मौके पर उन 36 पैकेटों में भरे हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा कुल 190 किलोग्राम, कीमत 9,50,000 रुपए जब्त कर दोनों के खिलाफ 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर विवेचना कर रही है। पुलिस की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन व्यक्तियों ने अवैध मादक पदार्थ गांजा कहां से प्राप्त किया है, इनके साथ और कितने लोग हैं जो इस धंधे में सक्रिय हैं, और क्या वे आगे अवैध गांजे का परिवहन करने वाले हैं। यह संपूर्ण कार्रवाई पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेमुरकर साहू एवं सुश्री लितेश सिंह के निर्देश में थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी, सोनचंद डहरिया, हरीश साहू, एकलव्य बैस, शंकर ठाकुर, वीरेंद्र तिवारी द्वारा की गई है। पालिका ऑफिस है बागबाहरा में, वहाँ पर इसमें थोड़ा ट्रैक्टर में शक हो, उसमें एक विशेष चेंबर बना था नीचे साइड में, और उसमें चेक करने पे 36 पैकेट गांजा मिला, जिसको सोल्व कराने पर तकरीबन 190 किलो गांजा होना पाया गया। इस पर थाना बागबाहरा में 20B NDPS के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इसके जो आरोपी हैं एक सीकर डिस्ट्रिक्ट के, एक नागौर डिस्ट्रिक्ट के हैं, और इसे और भी पूछताछ की जा रही है और ये लोग कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे थे, और इसमें और भी जो लोग भी संदिग्ध होंगे उनके खिलाफ भी निश्चित कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।